हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं चाह रहा हूँ कि आप सबों को कहानी नहीं, आप सबों को वो चीज़ सिखाऊं जिसके तहत आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आ जाए, बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती ना, घबराना नहीं है। आप मेरे साथ हर चीज़ को देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल एक एक लाइन समझिए और बच्चों की तरह सीखिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना। बड़ा मजेदार लगेगा, अच्छा लगेगा, जुड़े रहेगा, अंतिम तक पढ़िएगा, कितना आनंद पाता। देखो अब यहाँ कहानी है व्हाट अ फूल। व्हाट अ फूल का मतलब हुआ क्या मूर्खता है, फूल मतलब बेवकूफी, मूर्खता। इंग्लिश से हिंदी करने के लिए हम लोगों को बड़ा बेसिक से आराम आराम से पढ़ना चाहिए। लिखा लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, और लॉन्ग मतलब लंबा, लेकिन यहाँ पे होगा कि बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है। वेन मतलब जब, एनिमल कुड स्पीक एमिडिस्ट टावरिंग हिल, जब यहाँ पे जानवर बोल सकते थे, बहुत समय पहले की बात है कि जानवर बोल सकते थे। एमिडिस्ट का मतलब बीच में, टावरिंग हिल पर। देयर वॉज अ टाइनी लिटिल किंगडम, वहाँ का छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा, लिटिल किंगडम, किंगडम मतलब साम्राज्य था, छोटा साम्राज्य था। इन अ टाइनी लिटिल वैली, एक छोटा सा वैली पर छोटा साम्राज्य था। एंड एट द वेरी एज ऑफ द वैली वॉज अ टाइनी हट, और छोटा सा वहाँ पर एक हट था, झोपड़ा था उस किनारे पर। इन दैट हट लिव्ड अ गर्ल नेम्ड करुणा, उसी हट में, उसी झोपड़ी में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था करुणा। समझ गए? अब देखो कहानी कहाँ से मुड़ रहा आगे। एवरी डे सी वेंट इन टू द जंगल, प्रतिदिन वो जंगल जाया करती थी, जंगल जाती थी। टू कलेक्ट फ्रूट्स, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, फ्रूट्स को एंड प्लांट्स को, फ्रूट्स और प्लांट्स को इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन वो जंगल जाया करती थी। समझ मारे बातों को? टू मेक मेडिसिन, फ्रूट से मेडिसिन बनाती थी, फ्रूट से मेडिसिन बनाती थी। तो रोज वो जाया करती थी और मेडिसिन बनाती थी। ठीक है बच्चे? हर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब होता दादी, उसकी जो दादी थी मतलब मदर की जो सासू माँ थी, तो हर ग्रैंड मदर हैड बीन अ बैद, उसकी जो दादी माँ थी वो बैद थी। बैद, बैद भाई बहुत सारे फ्रूट्स दवा बनते हैं ना, पता तुम लोगों को? तो आप लोग जिस क्लास में पढ़ते हो ये कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो उसकी मदर क्या थी? बैद थी। एंड हैड टॉट हर टू मेक मेनी मेडिसिन, काइंड्स ऑफ मेडिसिन, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन। और वो सिखाती थी अपनी जो है करुणा को, टॉट मतलब सिखाती थी, हर टू मेक मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, बहुत तरह के दवाई बनाना सिखाती थी। काइंड्स ऑफ मेडिसिन बहुत प्रकार के, डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के। एवरी डे सी गैदर्ड अ फ्यू फ्लावर्स, प्रतिदिन, गैदर इकट्ठा करना, फ्यू मतलब कुछ, फ्लावर्स मतलब फूल, कुछ फूल को इकट्ठा करती थी। मेकिंग श्योर टू लीव मोस्ट ऑफ देम ऑन द ट्रीज एंड बुशेस, वो झाड़ियों में से, पेड़ पौधों से बहुत सारे फ्लावर रूट्स वगैरह लाती थी। व्हाट अ फूल यू आर, किसी ने कहा उससे, विलेजर से, गांव के लोगों ने कहा कितने मूर्ख हो तुम, जो कहानी का शीर्षक क्या है व्हाट अ फूल, तो यहाँ कह रहा है व्हाट अ फूल यू आर। द विलेजर से, गांव वालों ने कहा तुम कितने बेवकूफ हो भाई। इफ यू वर टू प्लक मोर फ्लावर्स, अगर तुम रोज, प्लक मतलब तोड़ना, अगर तुम ज्यादा फूल तोड़ोगे, मोर फ्लावर्स एंड डिग आउट मोर प्लांट्स, और बहुत से डिग आउट मतलब खोद निकालना, बहुत सारे प्लांट को खोद निकालोगे, यू वुड मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल कहानी की तरह सीखिए, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा बच्चे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसके साथ से पता है क्या करना है आपको? प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर जाके एक ऐप का नाम बता रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, DSL क्रांतिकारी ऐप, दिख रहा है बोर्ड पे आपको, इस ऐप को डाउनलोड करिए, और DSL अचीवर ऐप, ये दोनों ऐप्स अगर पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। 17 मई को मैं नया बैच लेकर आ रहा हूँ दिन के 10 बजे, तो 17 मई को नया बैच है, उस बैच को बेसिक से पढ़ना है तो ज्वाइन करिए। दिल्ली अब दूर भी नहीं है, दिल्ली आ भी सकते हो। तो मैं आपको कहानी की तरह, बच्चों की तरह सिखाऊंगा, कहीं दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूँ, पूरा ग्रामर, पूरा स्पीकिंग, पूरा राइटिंग एकदम बच्चों की तरह सिखाऊंगा। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ आ गया लॉट ऑफ मनी। द बर्ड्स एंड द बीज, द बर्ड्स चिड़िया और बीज मतलब मधुमक्खियां, जो मक्खियां लगते हैं, बर्ड्स एंड बीज मक्खी वगैरह, देम टू देयर फूड, तो उनके लिए बहुत सारे भोजन मिल जाएंगे। सी से उसने कहा, इफ आई टेक अवे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, अगर बहुत सारे फ्लावर ले जाऊंगा तो व्हाट विल दे इट, तो वे लोग खाएंगे क्या, व्हाट विल दे इट, क्या खाएंगे। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन शी वाज इन जंगल, जब वह जंगल में थी,
करुणा हर्ड लो विम्परिंग। तो करुणा ने सुना कि कुछ जो है विम्परिंग का मतलब रिरियाना, रोने की आवाज, रोने की आवाज, चिचियाना, रोना, विम्परिंग करना। तो करुणा ने सुना कि कोई रो रहा है, एक जानवर की आवाज रिरिया रहा है, चिल्ला रहा है, साउंड आ रहा है। शी लुक्ड इन द बुशेज, उसने झाड़ी में देखा, लुक्ड इन द बुशेज, झाड़ी में देखा, एंड सॉ, उसने देखा कि टू लिटिल टाइगर कब, दो छोटे बाघ के बच्चे, कब मतलब बच्चे, दे वेयर थीन एंड वीक, वो दोनों बच्चे दुबले पतले कमजोर से हो गए थे। ठीक है, ओह नो, ओह, उसने ऐसा किया। सी सेड, उसने कहा, द पुअर लिटिल थिंग्स, ये दोनों बेचारे गरीब बच्चे, दोनों कमजोर बच्चे, सीम्स टू स्टार्विंग, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भूखे मर रहे हैं, दोनों भूख से तड़प रहे हैं। आई वंडर वेयर देयर मदर इज, इसके माता कहाँ है, मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ है माता, भूखे तड़प रहे हैं। शी क्लाइम्ड अप द नियर बाई ट्री, वो लड़की जो है करुणा नियर बाई ट्री पर चढ़ गई और देखी टू सी इफ देयर मदर केम, उसकी मदर कहीं से आ रही हो, बट द टाइग्रेस डिड नॉट अपीयर, लेकिन जो टाइग्रेस थी वो अपीयर नहीं हुई। ठीक है बच्चे, अगला का, द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सन, अगले मॉर्निंग में जो है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द सन वाज पीपिंग आउट फ्रॉम द होरिजन, अगले ही सुबह जो है, अगले सुबह देखा कि सूर्य जब दिखाई दिया, पीपिंग आउट मतलब दिखाई पड़ना, आउट फ्रॉम द होरिजन, सीधे में दिखाई दिया। सी जेंटली पिक्ड अप द कब्स, उस कब्स को, उस बाघ के बच्चे को उठाया, एंड पुट देम इन हर बास्केट, उसको बास्केट में रखा। ओह यू पुअर लिटिल थिंग्स, तुम बेचारे गरीब मैंने मासूम बच्चे, मे बी योर मदर हैज बीन ट्रैप्ड बाय पोचर्स, हो सकता है तुम्हारी जो माता है चोर शिकारी के द्वारा, पोचर का हिंदी लिख लो, पोचर का मतलब हो गया चोर शिकारी, मे बी योर मदर हैज बीन ट्रैप्ड, माता ट्रैप मतलब फंसा लेना, तो माता को फंसा लिया गया होगा पोचर के द्वारा, शिकारी के द्वारा। ठीक है, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ यू, चिंता मत करो तुम्हारा केयर मैं करूंगा। ठीक बच्चे, यहाँ तक आय कह रहा है करुणा कवर द कब्स, करुणा जो है कब कवर कर दिया विथ अ ब्लैंकेट एंड वेंट टू द मार्केट टू बाय सम मिल्क फ्रॉम देम, करुणा जो है उस कब को, छोटे बच्चे को, बाघ के बच्चे को ब्लैंकेट से, ब्लैंकेट मतलब गर्म कंबल से ढक दिया, एंड वेंट टू मार्केट, बाजार चली गई, बाय मतलब खरीदना, कुछ मिल्क, सम मिल्क के लिए, फ्रॉम देम दूध उसके लिए, दोनों बच्चे के लिए दूध खरीदने बाजार चली गई। व्हाट अ फूल यू आर, फिर कहा द मिल्कमैन सेड टू हर, मिल्कमैन मतलब होता है ग्वाला, जो दूध बेचता है उसको मिल्कमैन कहते हैं। मिल्कमैन ने लड़की से कहा तुम कितने बेवकूफ हो टू हर, वेन सी बॉट अ बकेट फुल ऑफ मिल्क फ्रॉम देम, कहा इतना वेन अ बॉट, खरीदा, बाय का भीतर क्या होता है बॉट, वी टू वी बॉट होता है, तो वेन सी बॉट अ बकेट फुल ऑफ मिल्क फ्रॉम देम, उसके लिए जब एक बकेट दूध खरीद रही थी तो दुकानदार कहा कितना मूर्ख हो तुम, यू डू नॉट हैव एनफ टू फीड योर सेल्फ, तुम्हारे पास खुद ही एनफ मतलब पर्याप्त, फीड मतलब भोजन, तुम्हारे लिए खुद ही भोजन पर्याप्त नहीं है, एंड येट यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन द कप, और इसके बावजूद भी, येट मतलब इसके बावजूद भी तुम स्पेंड मतलब खर्च कर रही हो पैसा उस कप के लिए, छोटे बच्चे सिर्फ बच्चे के लिए, बिसाइड्स मतलब के अलावा यू नेवर नो, तुमको नहीं पता है विद दिस बीस्ट, ये जो जानवर हैं, बीस्ट मतलब जानवर, फीड देम टुडे, आज तुम उसको खिला रही हो, एंड टुमारो दे विल फीड ऑन यू, कल होके तुम्हें ही खा जाएंगे। वो दुकानदार ने सलाह दिया कि आज तुम शेर के बच्चे को खिला रहे हो, कल ही शेर का बच्चा तुझे खा जाएगा। बट करुणा ओनली स्माइल्ड, करुणा सिर्फ मुस्कुराई। सून द कब्स वेर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, जल्दी ही दूध पीने से कब जो थे शेर के बच्चे बेटर हो गए और पहलवान और स्ट्रॉन्गर हो गए। एंड सी एंड एज द डेज वेंट बाय, समय बीतता गया, दे ग्रू बिगर एंड बिगर, दोनों शेर के बच्चे बड़ा से बड़ा होते चले गए। वन डे करुणा सेड टू देम, एक दिन करुणा ने शेर के बच्चे से कहा, यू आर नाउ ओल्ड एनफ टू हंट, अब तुम बड़ा हो गए हो, अब तुम हंट कर सकते हो, हंट मतलब शिकार कर सकते हो, इट इज टाइम फॉर यू, यह तुम्हारे लिए उचित समय है टू गो बैक टू द जंगल, तुम वापस जंगल चले जाओ, वेयर यू बिलोंग, जहां से तुम्हें लाया था, जहां से बिलोंग करते हो। सी वॉक्ड विद देम टू द जंगल एंड लेफ्ट देम देयर, वो जंगल में साथ गई और उसको छोड़कर आ गई। इमेजिन सरप्राइज, लेकिन वो कल्पना जो की थी छोड़ने का, सरप्राइज हो गई। वेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह
दे वेयर बैक, वो दोनों जो शेर के बच्चे थे वापिस आ गए. सी टूक देम इवन डीपर इन टू द जंगल बट दे फाउंड देयर वे बैक अगेन. और वो फिर से इवन डीपर इन जंगल, हालांकि जंगल में गाड़ी में छोड़ रखी थी, फिर भी वो उसी रास्ते से वापिस आ गया. लुक लाइक यू हैव डिसाइडेड टू स्टे विथ मी, लगता है, लुक लाइक ऐसा प्रतीत होता है, यू हैव डिसाइडेड टू स्टे विथ मी, तुम मेरे साथ ही रहोगे, बट आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग वी विल बी एबल टू फीड यू, लेकिन कब तक मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा. एबल टू फीड मतलब खिलाना. सी सेड विथ अ साइग, उन्होंने जो है सी सेड लड़की ने उसे कहा, आहे भरते हुए सिर्फ बच्चे से कहा कि कब तक मैं तुम्हें खिलाऊंगा यार, तुम अपने जंगल में जाओ, शिकार करो, अपना खाना खाओ, मेरा पीछा छोड़ो. ठीक है. वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग फ्यूरर, एक दिन की बात थी, बहुत हंगामा हो रहा था. बहुत बिग फ्यूरर मतलब हंगामा, शोरगुल, हंगामा हो रहा था, आवाज आ रहा था द मार्केट प्लेस पर, मार्केट के जगहों पर. एवरी वन वॉज वरीड, सब लोग चिंतित थे. देयर किंगडम वॉज गोइंग टू बी अटैक्ड, उनके राज्य में कोई आक्रमण करने वाला था. किंगडम मतलब राज, वॉज गोइंग टू बी अटैक्ड, आक्रमण किया जा रहा था. पीपल वेयर हर्ड, लोग सुन रहे थे, सेइंग दे हैव 10,000 सोल्जर्स, लोगों ने सुन रखा था कि 10,000 सोल्जर्स हैं. ठीक है. द सोल्जर्स राइड एलिफेंट एंड हॉर्सेज, जो सिपाही लोग थे हाथियों पर थे, घोड़ों पर सवार थे. दे आर फियरलेस, और सब भय से मुक्त थे. द किंग वॉज बरीड, वहां का जो राजा था वो चिंतित था. टू मतलब भी, ही ओनली हैड फूड सोल्जर्स इन हिज आर्मी, उसके पास मात्र पैदल सिपाही थे, मतलब मात्र पैदल सिपाही थे. वी विल श्योरली लूज, ही सेड, वहां के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम लोग युद्ध हार जाएंगे, तय बात है. ही समंड हिज मिनिस्टर, समंड का मतलब बुलावा, उन्होंने मिनिस्टर को बुलावा दिया, बुला भेजा. एंड सेड, और कहा, हूएवर कम्स अप विद अ प्लान, जो मेरे पास, हूएवर मतलब जो कोई आदमी प्लान साथ आएगा मेरे पास टू सेव अवर किंगडम विल बी रिवार्डेड, उसको मैं इनाम दूंगा जो बंदा आएगा बचाने को. बट द मिनिस्टर कुड नॉट कम अप विद द आइडियाज, किसी के पास कोई दिमाग नहीं था. सो द किंग सेंट इन टाउन, है ना, क्रायर्स थ्रू आउट द लैंड, और फिर उसके बाद क्या किया कि राजा ने एक भेजा उसको, क्रायर्स को, जो कि हंगामा, जोर से चिल्ला सकता है कि भाइयों बहनों, जो बचाएगा राजा को उसको इनाम दिया जाएगा. क्रायर्स का मतलब हुआ ढिंढोरा पीटने वाला, क्रायर्स मतलब हुआ चिल्लाने वाला, क्रायर्स मतलब हुआ जो हल्ला करने वाला. दे बीट द, है ना, निगरस एंड अनाउंस लाउडली, उन्होंने सोचा कि दे बीट द नगर्स एंड अनाउंस लाउडली, उन्हें पूरे अनाउंस किया तेज से, हियर हियर, सुनो भाइयों बहनों, आवर लैंड इज गोइंग टू बी अटैक, हमारा जो देश है वो अटैक होने वाला है, अटैक, कुछ लोग अटैक करने वाले हैं. द पर्सन टू कम अप विथ अ प्लान टू सेव इट, कोई व्यक्ति आएगा बचाएगा, विल बी वेल रिवार्डेड बाय द किंग, उसको राजा के द्वारा इनाम दिया जाएगा. बट No one was buried, but no one came up with the ideas. लेकिन कोई आइडिया पे नहीं आया, कोई किसी के पास आइडिया नहीं था. करुणा was buried too. करुणा भी चिंतित थी. Our kingdom is in grave danger. हमारा जो राज्य है, grave मतलब गंभीर, खतरे में है. She said to the tigers. उसने टाइगर से कहा, If the enemy attacks, अगर दुश्मन अटैक करेगा, a lot of people will be hurt. बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, घायल हो जाएंगे. I wish I could help. मुझे लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए. द टाइगर्स वेर स्टैंडिंग नियर बाई, बाघ बगल में खड़े थे. मे बी कैन हेल्प, शायद मदद कर दे. टाइगर्स भाई टाइगर है. बट हाउ, आस्क्ड करुणा. द टाइगर्स विस्पर्ड देयर प्लान, बाघ जो था वो आपस में बुदबुदाया, आपस में प्लान बताया. दैट्स एन अमेजिंग आइडिया, उसने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है. अर्ली इन द मॉर्निंग करुणा सेट ऑफ द हेल्प, करुणा जो थी अर्ली मॉर्निंग हेल्प करने के लिए चली गई. प्लीज टेक मी टू द किंग, मुझे राजा के पास ले चलो. सी सेव, उसने कहा, आई हैव अ प्लान टू सेव आवर किंगडम, मेरे पास प्लान है कि मैं अपने राज्य को बचा सकता हूँ, बचा सकती हूँ. ऑल द कंट्रीज रोर एंड लाफ्टर, ये पूरा जो है कंट्री जो है कोर्टियस यहाँ पे, ऑल द कोर्टियस, सभी दरबारी लोग रोड हुए और लाउटर हुए, मतलब बचाने के लिए आगे बढ़ गए. एक्चुअली जो कहानी किताब है मैंने लिया कहाँ से, देखो ये किताब है सही बेस इंग्लिश का है, देख रहा हूँ इंग्लिश का, ये किताब DSL का है, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग बुक. सही से अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखे, बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सिखाने की जबरदस्त किताब है. यह किताब जबरदस्त रूप लिखा गया है. ऐसे ऐसे 12 किताब आपको दिए जाएंगे. यह किताब 12 है, बेसिक से एडवांस तक. आप SSC की तैयारी करते हो,
यूपीएससी के मीडियम चेंज करना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, डीएसएल से बाहर कोई इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता। अगर डीएसएल में आपका एडमिशन हो गया मतलब आपका सिलेक्शन तय हो गया, आपको इंग्लिश आ गया, होम मेकर हैं, घर बैठे पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हो, दो ऐप का नाम बताऊंगा, डीएसएल अचीवर और डीएसएल क्रांतिकारी। ये दो ऐप आपको इंग्लिश सिखा देगा। और साथ साथ 17 तारीख से नया बैच शुरू कर रहा हूँ, आप चाहो दिल्ली आके पढ़ सकते हो या इस ऐप पर घर बैठे बेसिक्स एडवांस पढ़ सकते हो। आज इतना ही करेंगे हम लोग, कल मिलते हैं फिर लाइव क्लास में रात को 8 बजे, लाइव रात को 8 बजे चलाएंगे कल के क्लास में। थैंक यू मच, बाय बाय, टेक केयर।